मैंने बिग बॉस कब फिनाले काफी नजदीक है कितना फॉलो की ना, अभी हाल ही में एलिमिनेट हुई, काफी कुछ चर्चा हुई उनकी एलिमिनेशन में, आपको उनकी एलिमिनेशन के बारे में क्या होते हैं, क्योंकि उनके फरा मैम के साथ भी कुछ हुआ जब वो एलिमिनेट हुई, वॉकआउट भी हुई फरा मैम जेन्युइनली मैंने नहीं देखा, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ, तो मेरा एक ही था कि अब इट्स डन, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग मिली, आई एम थैंकफुल टू द मेकर्स जिन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं टॉप 16 में रहूँ विद फ्रॉम ऑल द इंडिया, सो आई थिंक अब मैं फॉलो अप नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा एक मोटो है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ, आगे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है वो मेरा बेस रहता है, तो ये मेरा मोटो है. एंड कमिंग टू वर्ड्स योर क्वेश्चन, आई थिंक जो डिज़र्विंग है वो उस घर में है, एंड जिनको जनता का प्यार मिल रहा है वो उस घर में है, जिनको कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी कमी हो गई वो बाहर आ गए. बट आपको नहीं लगता कि जिस तरह टीना फिर से गई, श्रीजिता फिर से गई, वैसे आप जाते तो आपका गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता, वो लोग का गेम थोड़ा डिफरेंट था और वो दोनों बाहर आ चुके हैं. हम बिग बॉस में क्यों जाते हैं कि हम काम कर सके, राइट, और फिर हम लोगों को इंस्पायर कर सके चाहे कुछ भी हो, तो अगर मुझे वो प्यार वो इज्जत वापस ना जाके भी उतनी ही मिल रही है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ बेटर. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वाइल्ड कार्ड नहीं गई, आई वॉज़ हैप्पी कि मुझे वो टाइम जोन मिला कि मैंने खुद के ऊपर काम किया, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसे हिस्से मैंने अपने आप के देखे बिग बॉस में, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरह प्रवोक नहीं किया था और ना ही मैंने कभी ऐसे बिहेव किया था, तो वो चीज़ मैंने खुद की एनालाइज़ की और वो जोन मुझे जो मिला उस पर मैंने वर्क ऑन किया, तो आई थिंक मुझे कहीं भी एक रिग्रेट नहीं है कि मुझे वापस नहीं जाने मिला या मैं क्यों गई. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अभी आज मैं जो भी हूँ, आई थिंक मैं वापस ना जाके यही इंसान बनी हूँ कि अब मैं खुद ने यू नो यू नीड टू बी द बेटर ऑफ योर सेल्फ, तो आई थिंक आई एम नाउ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सो दैट इज़ द बेटर. थैंक यू. आई थिंक यू नो वो कहते हैं ना कि देर इज़ वन कोट प्रियंका मैम ने बोला था कि पोटैटोज आर गोना पोटेट, रोटीज आर गोना रोटेट, यू डू वॉट यू डू. सो आई थिंक एक चीज़ आई कि एक महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरी लाइफ में कि मान्या एवरी टाइम अगर आप जब रियल होते हो, बहुत ज़्यादा रियल होते हो, तो वो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सो बी लिल ईजी ऑन योर सेल्फ, आपको लाइफ में हर चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक एक ही चेंजेस ये आई है कि अब मैंने खुद को बहुत अच्छे से जाना शुरू कर दिया है और मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और खुद को प्रायोरिटी देना मैंने शुरू कर दिया है रादर देन अदर पीपल कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस, क्योंकि जब वो हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अबाउट वॉट पीपल से, इट्स अबाउट वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. जीतेगा. लुक आई डोंट वॉन्ट टू गिव माई टॉप थ्री और ऐसा कुछ है मेरे लिए, मैं 16 लोगों के साथ थी, राइट, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए सारी की सारी फैमिली है, तो कोई भी जीतेगा ना, तो फिनाले वाले दिन मैं वो स्टेज पे डांस करने वाली हूँ, तो आई विल बी हैप्पीएस्ट वन, क्योंकि जो भी जीते उन्होंने बहुत मेहनत की. उस घर में रहना ईजी नहीं है, लेट मी टेल यू, गेम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम बाहर से देखते हैं, और 24 घंटे अननोन लोगों के साथ रहना, एडजस्ट करना, इट्स अ टू डिफिकल्ट थिंग. सो जो भी जीतेगा ना, ट्रस्ट मी, जो भी अभी टॉप 5 बचे होंगे, राइट, कितने बचे, 5 लोग बचे, हाँ, तो उनमें से जो भी जीतेगा ना, वी विल बी हैप्पी आई थिंक. सो हम सारे के सारे खुश रहेंगे बिकॉज वो हमारी एक बिग बॉस 16 की जीत होगी, क्योंकि बिग बॉस 16 इस बार का सबसे फेमस शो चल रहा है, राइट. सो आई थिंक, अरे क्या कुछ भी वो भी हो सकता है, बट आई थिंक आई एम द लकी वन कि मैं 16 की पार्ट बनी, एंड आई थिंक आई विल बी प्राउड कि मैं हमेशा ऐसे खुल के बोलूँगी कि आई वॉज द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस 16. थैंक यू.